झारखंड के दुमका में छात्रा के साथ दिल दहलाने वाली वारदात। लॉकडाउन में घर के लिए निकली छात्रा के साथ गैंगरेप। पूरा देश कोरोना वायरस के खौफ के चलते अपने घरों में कैद है। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने देश में 21 दिनों का लॉकडाउन किया हुआ है। झारखंड सरकार और प्रशासन भी लॉकडाउन को सफल बनाने और लोगों तक जरूरी सामान पहुँचाने में व्यस्त है। लेकिन इन सबके बीच झारखंड से एक दिल को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल दुमका के SP कॉलेज की एक 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। कथित तौर पर उस नाबालिग लड़की से 9 लड़कों ने मिलकर गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया है। जानकारी के मुताबिक वो नाबालिग गोपी कांदर पुलिस स्टेशन के जंगली इलाके की रहने वाली है। बताया जा रहा है कि उस लड़की के साथ इस खौफनाक अपराध को उस वक्त अंजाम दिया गया जब 24 मार्च को वो अपनी एक सहेली के साथ उसकी स्कूटी से अपने घर वापस लौट रही थी। असल में वो जिस प्राइवेट हॉस्टल में रह रही थी वो लॉकडाउन की वजह से बंद हो गया था। जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक पीड़ित लड़की को उसकी सहेली ने करूड़ी मोड़ पर उतार दिया था और पाकुड़ में अपने घर के लिए निकल गई थी, जिसके बाद उस लड़की ने अपने पिता को फोन किया और करूड़ी से उसे ले जाने के लिए कहा। लेकिन जब काफी देर तक उसके पिता उसे लेने नहीं आ पाए तो उसने अपने एक दोस्त विक्की हांसदा को उसे ले जाने के लिए फोन किया। इसके बाद विक्की लड़की को लेकर उसके गांव के लिए निकल गया। हालांकि विक्की ने सड़क के बजाय जंगल का रास्ता चुना तो उस लड़की ने इस बात का विरोध किया। इस पर विक्की ने कहा कि अगर हम सड़क से जाएंगे तो पुलिस हमें रोक लेगी। इसके बाद जंगल में वो गड़िया पानी के पास रुक गया। जब लड़की ने पूछा कि उसने बाइक क्यों रोक दी तो उसने पेशाब का बहाना बना दिया। लड़की से कुछ दूर जाने के बाद विक्की ने अपने दोस्तों को फोन किया और कथित तौर पर उस लड़की का गैंगरेप किया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने लड़की को घायल अवस्था में जंगल में ही छोड़ दिया और मौके से फरार हो गए। लड़की को जब होश आया तो वो किसी तरह दूसरे गांव वालों की मदद से सड़क पर पहुंचने में कामयाब रही। उसके बाद गोपी कांदर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई। हालांकि घटना के कई घंटे बाद भी अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना ना भूलें। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।